वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको गरारे की कटिंग और सिलाई बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने नेट का कपड़ा लिया है ये गरारा बनाने के लिए। ये देख रहे हैं बहुत ही प्यारा नेट का कपड़ा है। इस तरीके से अभी ट्रेंडिंग जो चल रहा है नेट, वो नेट हमने लिया है। यहाँ पे हमने साटन का कपड़ा लिया है। नेट का कपड़ा हमने 4 मीटर लिया है, साटन का कपड़ा हमने 2 मीटर लिया है अंदर अस्तर लगाने के लिए। तो चलिए कटिंग करते हैं। हमें 42 इंच का शरारा बनाना है। तो सबसे पहले हम ये वाले कपड़े पे ऊपर का पार्ट्स को कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े को हम खोल देते हैं इस तरीके से। हमने सीधा ओपन रखना है। तो यहाँ इस तरीके से कपड़े, साटिन वाले कपड़े को ऐसे डबल करके रख लिया ये। उसके बाद इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। ऐसे फोर फोल्ड हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ से कमर देखेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है। अब इसका हमें लंबाई देखना है। तो कंप्लीट लंबाई ये हमें चाहिए 19 इंच। यहाँ है 22 इंच, ऊपर जाएगा फोल्ड में। उसके बाद अब हमें ये वाले कपड़े को पहले यहाँ से सीधा निकाल देना है। ये उसके बाद अब इसमें हमें इसको ऐसे लेना है। यहाँ से हमें देखना है कमर। तो कमर है 40, तो उसका 1/4 10 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए 12। और यहाँ से भी 12 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। 12 और 2 इंच ऊपर जाएगा सिलाई में, उसका भी मार्किंग इसी में ऐड कर लेते हैं। फिर ऐसे गोल सा सेप देंगे। उसके बाद ये वाला कमर नापेंगे। कम यहाँ वाला जो पार्ट्स ज़्यादा चुन ज्वाइंट होती है वो वाला 1 इंच पे ऐसे मार्क लगा देंगे। अब नीचे वाला जो जॉइंट है उसको कट करेंगे। तो उसके लिए इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं। ये हो गया ऊपर वाला पार्ट। ऊपर से ऐसे फोल्ड होगी ये, और ये 18 इंच आ जाएगा सिलाई के बाद। ये हो गया ऊपर वाला पार्ट्स। अब हमें नीचे वाला पार्ट्स को कटिंग करना है। तो पहले अब अस्तर में कटिंग करते हैं। ये अस्तर में कटिंग हो गया। मेन फैब्रिक को ऐसे डबल करके रख कर कटिंग करते हैं। आपको डबल करके इस तरीके से हमने दोनों को रख लिया है। सेम इसी टाइप से हमें कटिंग करना है। तो यहाँ वाला एक्स्ट्रा को हटा देते हैं। फिर यहाँ से ऐसे ये हो गया क्रॉच एरिया। और ये हो गया एक्स्ट्रा वाला ये हो गया आगे वाला ऊपर वाला। दोनों इसमें क्रॉच एरिया वाला भी हमने इधर से कटिंग कर दिया। ये दोनों हो गया। अब नीचे का घेर का कटिंग करेंगे। तो अब जितना फैब्रिक बचा है इससे घेर बनाते हैं। तो चलिए घेर की कटिंग करते हैं। अब नीचे वाला घेर इस तरीके से हमने डबल करके रख लिया है। अब पूरा जितना कपड़ा है इसको ऐसे नाप लेंगे।
22 इंच का नीचे का हमें घेर, तो हम 23 इंच 22 यहाँ नीचे हम हल्का ही फोल्ड करेंगे। ये तो मार्क लगा लेते हैं, यहाँ से 22 इंच और यहाँ से 22 इंच। अब इस मार्किंग को हम ऐसे मिलाएंगे और बीच बीच से ऐसे मार्किंग कटिंग कर लेंगे। ये 22 इंच का ये कटिंग हो गया। इसी तरह रखते हुए दो आगे में और दो पीछे में लगेगा। ऐसे डबल कर लिए और इसके ऊपर बराबर से रखते हुए फिर से कटिंग कर लेंगे। एक बराबर हमने 6 पीसेस 22 इंच का कट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 छः हमने, अब इसमें हमें ऐसे करके चुनट लगाना है और इसी साइज के लंबाई से हमें अस्तर की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये भी 22 इंच का लंबा नीचे का कटिंग कर लेते हैं। तो ये भी अस्तर हमने 22 इंच कटिंग कर लिया है, चौड़ा नीचे का लंबाई। इसी में ऐसे प्लेट्स लगेगी। तो पहले हमें क्या करना है, ऊपर वाला रेडी करना है ये। तो इसको अब रेडी कर लेते हैं। तो कैसे रेडी करेंगे, नीचे हमें इसको ऐसे लेना है, ये इसके ऊपर रखना है अस्तर। ऐसे ये, और उसके बाद इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। तो दोनों पल्ला पहले इस तरीके से रफ स्टिच करके ज्वाइंट करते हैं। इसमें रफ स्टिच लगा लिया है ऊपर वाले पार्ट्स में। अब दोनों को एक ऐसे रखेंगे, दूसरा इसके ऊपर पलट के रखेंगे ऐसे, और इधर से हाफ हाफ इंच का सिलाई लगा के इधर मोड़ेंगे, फिर इधर से हाफ हाफ इंच सिलाई लगा के इधर। तो हाफ हाफ इंच इधर पकड़ते हुए सिलाई लगा दिया, फिर इधर पकड़ते हुए सिलाई लगा दिया हमने। अब इसको ऐसे पलट लेंगे, ऐसे ऐसे पलटना रहता है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे नीचे वाला पार्ट्स का चुनट बना के लगाएंगे। तो चुनट कैसे बनाएंगे, तो वो चलिए मशीन पे दिखाएंगे। ये हो गया नेट वाला नीचे वाला कपड़ा, वे आप देख सकते हैं। इसको हमने साड़ी को जॉइंट लगा लिया है डिजाइनिंग देख देख के। ये ऊपर से ऐसे ऐसे वाला लहरिया डिजाइन किया हुआ है, तो वो ऊपर ऐसे जाना चाहिए, तो वो हमने लगा लिया है। इसमें ऐसे छोटे छोटे इस तरीके से पकड़ते हुए प्लेट्स को लगा देंगे, ऐसे ही पकड़ना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है ऐसे। तो वो सिलाई मैं लगा कर दिखाती हूँ। तो पूरा प्लेट्स हमने चुनट बना के लगा दिया। अब इसी तरह से हमें अस्तर भी लगा का चुनट बना के इसी तरह इसमें अब दोनों को अटैच कर लेंगे ऐसे। अस्तर जो मेन है वो नीचे रखना है ऐसे, और नेट वाला जो कपड़ा है इसको इसके ऊपर रखना है ऐसे, और हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा देना है। तो अस्तर भी नीचे से हमने ज्वाइंट कर दिया इसमें ऐसे नीचे रखते हुए। अब ये जो ऊपर वाला पल्ला है इसमें हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसको कर लेंगे ऐसे सीधा, ये वाला ऐसे रखेंगे और ये ऐसे, और इसको इसके ऊपर ऐसे रखते हुए सिलाई चला देते हैं। इसमें रखते हुए इसके ऊपर हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा दिया। इसी तरह दूसरे पल्ले का लगाएंगे दोनों का। इसमें चुनट को अटैच हमने कर लिया, इधर इसका भी अटैच कर लिया। यहाँ नीचे हमने अस्तर को ऐसे रखते हुए फोल्ड कर लिया एक पैर का। अब दूसरे का भी सेम उसी तरह ऐसे मोड़ लेंगे, और रहा ऊपर, तो ऊपर लगाएंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए हम इसको
जितना इंच का इलास्टिक है उतना आपको ऐसे करके फोल्ड करना है, तो वो फोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर का हमने फोल्ड कर लिया और इस पर सिलाई लगा दिया। यहाँ इसमें यहाँ पे हमने थोड़ा सा ओपन रखा है, इधर से आप इलास्टिक लगाइए या फिर डोरी लगाइए, जो लगाना हो लगाइए। अब इसको पलट देंगे, इस गरारे को अब इसकी फाइनल स्टिच देंगे नीचे से, नेट को मिलाते हुए नेट मिलाएंगे और अस्तर मिलाएंगे ऐसे, और हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए पूरे गुलाई में सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए पूरे को हमने सिलाई लगा दिया। अब इसको पलट के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सरारा का फाइनल लुक है। तो आज के सरारा की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो कर लीजिए सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिए कमेंट। इसके कुर्ती की वीडियो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके कुर्ती हमने देखिए इस टाइप से बनाया है, ये सरारा है नीचे वाली और ये इसकी कुर्ती है। तो फ्रेंड्स आज की ये कुर्ती की भी वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सरारा कुर्ती की। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी पूरी फुल व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए हमने काफ़ी घेर वाला बनाया है ये और ये, और इसमें हमने अभी ना डोरी लगाया है ना इलास्टिक लगाया है। ये आपको जो है पसंद वो लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे ओपन छोड़ा हुआ, इधर से ही डालेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ। इससे पहले भी हमने बहुत सारे कटिंग स्टिचिंग शेयर किया हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा घेर भी है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय।